टीम इंडिया पिछले लंबे समय से ब्रेक पे चल रही थी। इस ब्रेक को पूरा करने के बाद अब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स चेन्नई की तरफ कूच कर चुके हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया रोहित शर्मा की लीडरशिप में तैयार है। इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच चेन्नई के चेपाकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस पहले टेस्ट मैच के लिए इंडियन क्रिकेट टीम ने चेन्नई की धरती पर अपने कदम रख लिए हैं। टीम इंडिया के प्लेयर्स गुरुवार को चेन्नई पहुंच गए, जहां इंडियन क्रिकेट टीम के दो सुपरस्टार प्लेयर कैप्टन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली भी चेन्नई में अपने कदम रख चुके हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जिनके एयरपोर्ट वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान जहां रोहित शर्मा येलो टी शर्ट और क्रीम कलर के ट्राउजर में दिखे, वहीं रोहित के साथ सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम था और फिर सीधे कार में बैठे, तो वहीं विराट कोहली क्रीम कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में थे। कोहली और रोहित की जोड़ी अब मैदान में धमाल मचाने को तैयार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले महीने श्रीलंका के टूर को खत्म करने के बाद से ग्राउंड से दूर थे, जो एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड में उतरने के लिए रेडी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा से आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में कितनी उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।